हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल से 7th क्लास की हिंदी टीचर अंजुम। तो बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट जो आपकी बुक का नाम है सुनहरी धूप, उसका चैप्टर नंबर 4 है तारे रात का आंचल सवारे, इस पार्ट को पढ़ेंगे और सब्जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 29 पे देखिए, आपका चैप्टर नंबर 4 है तारे रात का आंचल सवारे। तो सबसे पहले आपको इस पाठ के बारे में बताया गया है कि इस पाठ में आसमान में चमकने वाले तारों का वर्णन किया गया है। कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वैज्ञानिक इन तारों की चमक, स्थिति और आकार आदि का वैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जो कवि है वो इन तारों को कैसे देख रहा है, नायिका के आभूषण के रूप में देख रहा है, ठीक है ना। और जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी चमक, स्थिति, इसके आकार आदि के बारे में क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी किस्मत सितारों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है, ये किसके विचार हैं, विलियम शेक्सपियर, ठीक है ना। तो अब आपका पार्ट शुरू होता है, अपने अपने बुक्स में ध्यान दीजिएगा। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। जब रात में क्या है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, आसमान में एक भी बादल नहीं छाए होते हैं, तब वो नीले आकाश में जो तारे चमकते हैं वो हमें बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक है ना। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी। यहाँ कवि ने क्या किया है, तारों को क्या है, अनेक प्रकार की उपमाओं से सुशोभित किया है। कभी ये तारे आकाश के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। कैसे लगते हैं, जब वो चमकते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे हीरे मोती आकाश में क्या है, नीले नीले आकाश में चमक रहे हैं। तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं, श्वेत यानी सफेद, तारे की चमक कैसी है, सफेद है एकदम, तो वो हमें क्या है, सफेद गजरों के समान लगते हैं। कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं, जग कर सज कर रजनी वाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। वहाँ भी यहाँ पर रजनी, रजनी यानी रात के लिए भी बोल रहे हैं कि तुम इतना सज कर सवर कर क्या है, जो ये गजरे हैं, जो तारे वाले गजरे हैं, ये आप कहाँ बेचने जाते, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी भूगोल और विज्ञान में पढ़ चुके होंगे कि ये तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं, क्या होते हैं, ये चमकीले पिंड होते हैं, ठीक है ना। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं की खुद की अपने आप की क्या होती है, प्रकाश यानी रोशनी होती है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। पृथ्वी से क्या है, बहुत दूर होने के कारण, आसमान बहुत ऊंचा है तो बहुत दूर होने के कारण ये तारे हमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा या नक्षत्र, सूर्य क्या है, एक तारा या नक्षत्र ही है, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। आकाश गंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी अभी गणना भी नहीं की जा सकती है। क्या है, हजारों करोड़ों ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी गणना गिनती नहीं की जा सकती। आकाश गंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं, उसके समूह को कहते हैं, पुंज यानी समूह को कहते हैं। अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों तथा उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। जो क्या है, यहाँ पर अभी जो मानव ज्ञान की जो सीमा है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना, और प्रमुख ग्रहों व उपग्रहों तक ही क्या हो गई है, सीमित है, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान क्रमशः सामने आते जाएंगे, यानी उन पर जितनी भी क्या है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में खोज करेंगे, वो हमारे सामने आता जाएगा। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैसों की गेंद के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। जो नक्षत्र हैं वो आकाश में कैसी चमकीली गेंद के समान क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुखता दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, पहली है आपकी हाइड्रोजन गैस और दूसरी है हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है, कैसा रूप होता है, शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती हैं कि नक्षत्र चमकते रहते हैं, गर्मी से, उनकी गर्मी से, उसकी हीट से क्या है, ये नक्षत्र क्या है, चमकते रहते हैं। ईंधन से चलने वाले किसी इंजन में ईंधन खत्म हो जाने की तरह
पेज नंबर 30 देखिए कि यह होते, ठीक है ना। गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में क्या हो जाता है, फट जाता है। जब गैस समाप्त हो जाती है तब क्या है, नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के समान क्या हो जाता है, फट जाता है और फैल जाता है। सूर्य ही पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा क्या है, नक्षत्र। जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे निकट, सबसे समीप, नजदीक सबसे बड़ा क्या है, नक्षत्र है। इसलिए यह पृथ्वी के सबसे बड़े आकार के पिंड के समान हमें क्या दिखाई देता है, ठीक है ना, पिंड के समान, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक है इसलिए वो सबसे बड़ा दिखाई देता है। आकाश गंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में ही हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। वो इतने दूर है आकाश गंगा में कि वो हमें क्या है, सिर्फ छोटे छोटे तारों के समान ही नजर आते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे नक्षत्रों की संख्या 200 करोड़ अरब से भी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है उनके बारे में जो खोजबीन की है उसमें ऐसे नक्षत्रों की संख्या कैसी है, 200 करोड़ अरब से भी ज्यादा है। इन नक्षत्रों के आकार कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के जलने की मात्रा के अनुसार इनके रंग और चमक में भी क्या आ जाता है, अंतर दिखाई देता है, ठीक है ना। कुछ नक्षत्र तो सूर्य से भी बड़े होते हैं, कुछ नक्षत्र क्या है, सूर्य से भी बड़े होते हैं, और कुछ नक्षत्र पृथ्वी के समान और कुछ नक्षत्र पृथ्वी से छोटे मंगल और बुध ग्रहों के समान होते हैं। जो छोटा जो मंगल ग्रह और बुध ग्रह है उनके समान हमें दिखाई देते हैं। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ये नक्षत्र एक दूसरे के पास स्थित है। पृथ्वी से जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत आपस में बहुत पास पास है, ठीक है ना, परंतु वास्तव में ये नक्षत्र एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उनकी, कि वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र उसके लगभग करोड़ मील दूर स्थित है। उससे क्या है, लगभग करोड़ मील दूर क्या है, स्थित है। जो सूर्य का सबसे निकटवर्ती नक्षत्र है वो लगभग करोड़ मील दूर क्या है, उससे दूर, ठीक है ना। जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है, यानी उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है ना, गर्मी है। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये नक्षत्र क्या होते हैं, ठंडे होते जाते हैं, वैसे वैसे इनके रंग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ये लाल से नीले और नीले से फिर क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार बुझता हुआ अंगारा धीरे धीरे रंग बदलता है उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाला परिवर्तन है। जिस तरह क्या है, एक अंगारा, आपका अंगारा जो एक कोयले का जो टुकड़ा है वो अपना क्या करता है, लाल के बाद धीरे धीरे वो क्या पीला पड़ता है, फिर काला पड़ जाता है बुझते समय, उसी प्रकार इन नक्षत्रों के रंग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है और इनकी ऊर्जा की स्थिति में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर घूमती है और क्या करती है, सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा करती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं। इसी के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, परंतु वास्तव में क्या चल रही है, पृथ्वी चल रही है, ठीक है ना, सूर्य और नक्षत्र नहीं चल। नक्षत्र भी गति करते हैं परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति हम महसूस नहीं करते। नक्षत्र भी क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन क्या है, पृथ्वी से वो बहुत दूर होते हैं इसलिए हमें उनकी गति का एहसास नहीं होता है। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है, इसलिए वो हमें क्या दिखते हैं, चमकते हुए और उनकी रोशनी दिखाई देती है। वायु वेग के कारण तारों का प्रकाश भी जलता तो कभी बुझता सा प्रतीत होता है। वायु वेग यानी हवा, हवा जिस तरह से चलती है, यानी कभी तेज चलती है और कभी धीरे चलती है, तो वायु वेग के कारण हमें क्या है, तारों का जो प्रकाश है कभी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और कभी बहुत कम दिखाई देता है। दिन के समय ये तारे कहीं होते नहीं है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कि दिन के समय हमें तारे क्या है, आसमान में नजर नहीं आते, लेकिन वो क्या है, ऐसे छुपते नहीं है, यानी वो
होते नहीं है। अभी तो सूर्य के तीव्र प्रकाश में क्या पड़ जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं। सूर्य का तेज प्रकाश उनको क्या कर लेता है, छुपा लेता है, ठीक है ना। सांझ ढलने पर ये तारे पुनः आसमान के आंचल में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात होती जाती है, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है, तो ये तारे हमें फिर से आसमान में चमकते हुए नजर आते हैं। सौर ऊर्जा और खगोल विज्ञान का ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, सौर ऊर्जा और जो खगोल विज्ञान है हमारा, उनका ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उनके बारे में हमें जैसे जैसे पता चलता जाएगा, विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनगिनत प्रयास तेज होते जाएंगे। जो हमारा विश्व है इसके कल्याण के लिए क्या है, इस प्रकार के जो क्या है प्रयास हैं, जो कोशिशें हैं, वो क्या है धीरे धीरे तेज होती जाएंगी, ठीक है ना। तभी कवि शंकर प्रसाद जी की यह कल्पना साकार होगी। जो कवि हैं हमारे कौन, शंकर प्रसाद जी, ठीक है ना, जय शंकर प्रसाद जी हैं, उनकी जो कविता की जो कल्पना है, जो वो क्या है हमारे सामने साकार होगी। उनका कहना है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयी मानवता हो जाए, ठीक है ना। तो ये पाठ आपको समझ में आया होगा, तो इस पाठ के आपको शब्दार्थ करने हैं, ठीक है ना, और पीडीएफ आपका क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे, जो आपको फेयर कॉपी में करना है। थैंक यू।